Hey Genius, welcome back to my channel. So Genius, हम डिस्कस कर रहे थे Ind AS 36 के illustrations, जिसमें अब अपन करेंगे illustration number 2. तो पहले से रीड करते हैं. Saturn India Limited is reviewing one of its business segments for impairment. तो Saturn Limited जो कंपनी है वो अपने एक सेगमेंट को इम्पेयरमेंट के लिए देख रही थी कि क्या उसका वैल्यू कम हो गया है, क्या हो गया. ठीक है, ये सब वो चेक कर रहा है. The carrying value of its net asset is 40 million और उस सेगमेंट का जो कैरिंग अमाउंट है जो अपन को चाहिए रहता है इम्पेयरमेंट के लिए, वो अपन को गिवन है 40 million. ठीक है, अब कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट कम होगा. ठीक है, कैरिंग अमाउंट से रिकवरेबल अमाउंट कम होगा, यानी कि उसका रिकवरेबल अमाउंट अगर कम होगा, दोबारा तीन बार बोल रही हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, तभी बोलते हो उसे इम्पेयरमेंट लॉस, जब रिकवरेबल अमाउंट कम होगा. ठीक है, तो ये चीज तो अपन को दे रखी है, अब अपन को फोकस करना है रिकवरेबल अमाउंट के लिए. आगे देखते हैं. मैनेजमेंट हैज प्रोड्यूस टू कंप्यूटेशंस फॉर द वैल्यू इन यूज द बिजनेस सेगमेंट. अब देखो, रिकवरेबल अमाउंट के लिए अपन को चाहिए होता है वैल्यू इन यूज. अब वो वैल्यू इन यूज के लिए कह रहे हैं कि हमने दो बार कंप्यूट कर दिया. अरे भाई, हमको तो एक बार चाहिए, लेकिन उन्होंने दो बार कंप्यूट कर दिया. अब देखते हैं कैसे कंप्यूट किया. द फर्स्ट वैल्यू 36, जो दो बार कंप्यूटेशन किया उसमें जो पहला वाला है उसका आ रहा है 36 million. एक्सक्लूड द बेनिफिट्स टू बी डिराइव फॉर अ फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन. बोल रहे हैं अगर आगे जाके रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो फिर जो वहां से कैश फ्लोज आएंगे उनको हमने कंसीडर नहीं किया. तो अच्छी बात है ना, उन्होंने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि हमें भी वैल्यू इन यूज वही वाला चाहिए होता है जिसमें फ्यूचर कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं किया जाता. देखो, पता नहीं फ्यूचर में कब रीऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर उससे कब आपको कैश फ्लोज रिसीव होंगे, तो वो होगा भी कि नहीं होगा इसका कुछ पक्का तो है नहीं, तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करती. ठीक है, तो ये जो वैल्यू इन यूज दे रखा है ये बढ़िया दे रखा है, क्योंकि अपन को भी यही चाहिए रहता है. क्लियर, फिर भी हम आगे रीड कर लेते हैं क्वेश्चन. वैसे तो हमें मिल गया जो चाहिए था. बट द सेकेंड वैल्यू ऑफ 44 million इंक्लूड द बेनिफिट्स टू बी डराइव. लेकिन बोल रहे हैं जो हमने सेकेंड वाला वैल्यू इन यूज कैलकुलेट किया है 44 million, ये इसमें वो इंक्लूड है सारे फ्यूचर जो भी रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो उससे जो कैश फ्लो आएंगे वो सब यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है. ये तो गलत है, हमको ये वाला चाहिए नहीं होता. और आप एक चीज देखोगे, अगर हम 40 को 44 से कंपेयर करें तो यहाँ पर कोई इम्पेयरमेंट ही नहीं, लेकिन अगर हम 40 को 36 से कंपेयर करें तो इम्पेयरमेंट है. ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. बहुत लोग इसमें गलती कर आएंगे, वो बोलेंगे कि भाई यहाँ पर इम्पेयरमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि 40 बिलियन कैरिंग अमाउंट है और 44 हमको इससे मिलने वाला है. तो जब 40 आप दिखा रहे हो, 44 आपको मिल रहा है, तो लॉस कहाँ होगा? ये तो बढ़िया बात है. तो यहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं, ये आपको गलती नहीं करनी. आपको 44 की तरफ देखना ही नहीं. क्यों नहीं देखना? क्योंकि इसमें फ्यूचर का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बेनिफिट्स, उसके कैश फ्लो को कंसीडर किया हुआ है, जो कि उन्होंने गलत किया है. क्लियर, इसलिए हम 44 को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे. आ गया, आगे देखते हैं. देयर इज नॉट एन एक्टिव मार्केट फॉर द सेल ऑफ द बिजनेस सेगमेंट. बोल रहे हैं ये जो बिजनेस सेगमेंट का हम पूरा रिव्यू कर रहे हैं ना, इसका कोई एक्टिव मार्केट नहीं है सेल करने का. इसका मतलब ये लाइन से क्या बोलना चाह रहे हैं, इस लाइन से ये बोलना चाह रहे हैं कि हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. इस लाइन का मतलब ये. ठीक है, आगे एडवाइस वेदर द बिजनेस सेगमेंट नीड्स. बोल रहे हैं क्या ये बिजनेस जो सेगमेंट का हम रिव्यू कर रहे हैं, क्या इसको इम्पेयर करना है कि नहीं, ये आपको बताना है. इज देयर एन इम्पेयरमेंट लॉस और नॉट. क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है. तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इस क्वेश्चन को और सिंपल आसान बनाते हैं. हाँ जी, तो कॉपी पर लिखिए इंडिया 36 का इलस्ट्रेशन नंबर 2 सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हम दो स्टेप में करेंगे. पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे रिकवरेबल अमाउंट. ठीक है, अब रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए रहता है. एक होता है वैल्यू इन यूज और दूसरा हो रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. ठीक है, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और वैल्यू इन यूज हमें दो दो गिवन है. लेकिन मैंने आपको बताया कि आप वैल्यू इन यूज कौन सा कंसीडर करेंगे, जिसमें फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन जब होगा तो उसके कैश फ्लो, उसके बेनिफिट, वो सब कंसीडर नहीं करने. ठीक है, यानी कि हमें 40 million वाला नहीं देखना. कौन सा लेना है अपन को? 36 million वाला. ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई, 36 क्यों कंसीडर किया और 44 क्यों नहीं, जिसमें फ्यूचर वाले बेनिफिट्स रिकॉग्नाइज नहीं होंगे वही वाला करना है. सिंपल सी बात ये.
अब यहाँ पर बात आती है कि जब हमें रिकवरेबल अमाउंट चाहिए रहता है तो हम दो चीजों को देखते हैं, एक होता है वैल्यू इन यूज और दूसरा होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। और इसका जो भी हायर होता है, इसमें जो भी हायर होता है उसको हम रिकवरेबल अमाउंट मान लेते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल दिखा ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो सिंपल सी बात है, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं गिवन है तो आप वैल्यू इन यूज को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लेंगे। ठीक है, वैल्यू इन यूज को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू इन यूज के बराबर हो जाएगा, दैट इज 36 मिलियन। समझ में आ गया? अच्छा मैम एक बात बताइए कि अगर यहाँ पर उल्टा होता, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल गिवन होता लेकिन वैल्यू इन यूज गिवन नहीं होता, तो हम क्या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को ही रिकवरेबल अमाउंट मान लेते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वैल्यू इन यूज गिवन है और ये गिवन नहीं है तो आप वैल्यू इन यूज को मान लेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया है। लेकिन अगर उल्टा हो कि आपको वैल्यू इन यूज गिवन ना हो लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल गिवन हो, तो आप इसको नहीं कंसीडर करेंगे, फिर आपको वैल्यू इन यूज कैसे भी करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब आप कैलकुलेट करोगे तब इन दोनों में देखोगे कि कौन हायर है और तभी उसको रिकवरेबल अमाउंट मानेंगे। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से मैम हम ये समझें कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की कम इज्जत है। बिल्कुल सही बात, इसकी कम इज्जत है, वैल्यू नहीं, इसकी ज्यादा इज्जत है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, तो हमारा रिकवरेबल अमाउंट आ चुका है 36 मिलियन। अब इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर देते हैं, कैरिंग अमाउंट में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमारा कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है और जो कि है इस क्वेश्चन में 40 मिलियन, और रिकवरेबल अमाउंट कम होता है तभी तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है, जो कि है हमारा 36 मिलियन। तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया 4 मिलियन। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत छोटा सा था लेकिन मुझे इसमें एक दो केस बताने थे जैसे मैंने ये वाले बताए, ताकि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से भी आ जाए तब भी आप इसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो सीधा सीधा अगर मैं क्वेश्चन समझा देती तो 2 मिनट नहीं लगते, बट मैं चाहती हूँ कि आपको फुल फ्लेज नॉलेज मिले कि अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए तब क्या हो जाए, इसलिए मैं इतना करती हूँ। ठीक है, बाकी भाई रटाने में, फॉर्मूले लगाने में 1 मिनट नहीं लगता, मैं 2 मिनट में कर देती। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।